ये है फ्लिपकार्ट से लिया हुआ आईफोन और ये है अमेजोन से लिया हुआ आईफोन, ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब ये जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के सेल है ये हर साल आकर तबाही मचा के रख देते हैं और बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स इसमें होने वाले स्कैम्स के अगेंस्ट काफी सारे वीडियोस बनाते हैं और हमेशा यही कोशिश में लगे रहते हैं कि उनकी ऑडियंस को एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मिल जाए। और अगर आईफोन पे इतने भारी डिस्काउंट मिल जाए तो वो ऑटोमेटिकली एक गुड वैल्यू फॉर मनी फोन बन ही जाता है। अब देखो यार, सेल तो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों ही वेबसाइट पे है, एंड सच बोलूं तो मैंने दोनों ही वेबसाइट से आईफोन 13 बाय किया हुआ है, बट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि दिल से आवाज आई, अबे ये क्या लफड़ा है, ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वैसे तो मुझे आईफोन जरा भी पसंद नहीं है एंड आई एम ट्रूली एन एंड्रॉइड फैन, बट ऐसा क्या है जो मैंने ये आईफोन 13 सेकंड टाइम बाय किया, क्या है उसके पीछे रीजन? देखो, एक रीजन तो है कि इसकी वीडियो क्वालिटी, इसके ऐसी वीडियो क्वालिटी आपको कोई भी स्मार्टफोन नहीं देगा। हाँ, S23 अल्ट्रा की बात अलग है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करके क्या ही दिखाऊं, पूरी दुनिया को बताया कि आईफोन अपने डब्बे में क्या देता है, एंड जस्ट बिकॉज ये वीडियो कोई रिव्यू नहीं है इसलिए उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करें। वैसे तो ये फोन का प्राइस अमेजोन पे 48,000 दिखा रहा था और जब मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक किया तो वहीं पे इसकी प्राइस थी 49,000 और साथ ही में SBI के क्रेडिट कार्ड पे 3,500 का डिस्काउंट दिखा रहा था। फिर क्या, मैंने भी अपना गणित लगा लिया, सोचा कि मुझे फोन पड़ेगा 44,500 यानी कि 44,500, बट जब मैंने आगे परचेस करने के लिए पूरे डिटेल्स फिल की और जैसे ही मैं बाइंग पेज पे पहुंचा तो बाद में पता चला कि ये ऑफर तो सिर्फ जो EMI में कन्वर्ट कर रहा है उसके लिए, मतलब अगर आप फुल पेमेंट कर रहे हो तो आपको सिर्फ 2,250 का डिस्काउंट मिलने वाला है और वैसे भी जो 3,500 का डिस्काउंट दे रहे थे लोग EMI करने पे, उधर कोई नो कॉस्ट EMI नहीं था, तो मैंने भी डिसाइड किया भाई लूंगा तो फुल डिस्काउंट पे, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक साथ फुल पेमेंट कर दिया। तो फिर फाइनली मैंने एक साथ फुल पेमेंट करके इस फोन को बाय कर लिया सिर्फ 45,750 रुपीज में। अब मुझे नहीं पता कि ये बेस्ट डील थी क्या, इससे भी सस्ता किसी और को मिला होगा। हाँ, मैंने कोई बायबैक ऑफर इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास कोई फोन ही नहीं था बायबैक करने के लिए, तो उसको तो साइड में ही रखो। लेकिन इतना इजीली मुझे ये फोन नहीं मिल गया भाई, ऑर्डर प्लेस करते करते हालत खराब हो गई, मतलब जितनी बार ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ उतनी बार एक नई प्रॉब्लम आ रही है, कार्ट में ऐड करते ही सोल्ड आउट, फिर बाहर आ रहा तो स्टॉक नॉट अवेलेबल, फिर उसके बाद में जब स्टॉक अवेलेबल है वापस से कार्ट में ऐड करो तो वापस से सोल्ड आउट, फिर बाद में जो कलर सिलेक्ट किया वो कलर नॉट अवेलेबल, फिर कलर चेंज करके देखे तो वापस से सोल्ड आउट, फिर फाइनली सब होने के बाद वापस से पेमेंट पेज पे आके नो स्टॉक, मतलब भाई ये चल क्या रहा है, ये काफी देर तक चलता रहा। फिर मैंने भी कसम खा ली भाई फोन बाय करेंगे तो आईफोन 13 वो भी ब्लैक वाला, बट इस बार मैंने अमेजोन ऐप ओपन किया, सारे फोन साइड में फेंके और खोल लिया अपना लैपटॉप और उस पे अमेजोन की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली और सच बोलूं तो लैपटॉप से एक ही बार में ये आईफोन 13 बुक हो गया, बट वहां पे ऐसी गड़बड़ हुई कि मानो जैसे दिल को झटका ही लग गया। अब हुआ क्या, चलो फोन तो बुक हो गया बट डिलीवरी डेट दिखा दिया 28 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक। अरे भाई, मैं फोन बुक कर रहा हूँ 7 तारीख को और मुझे डिलीवरी डेट दिखा रहा कब, 28 अक्टूबर का। अरे भाई, तो किसी को भी टेंशन होगी। अब मेरे दिमाग में यही चलने लगा कि इतना दिन ये दुकान वाले हमारे पैसे को लेके रोलिंग करके बिजनेस तो नहीं करने वाले, चलो यहाँ तक तो ठीक है, बट डर इस बात का था कि ऐसा ना हो जो डिलीवरी का दिन है उस दिन ही ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, और ये पिछले साल बहुत बार हुआ था और काफी यूट्यूबर्स ने और काफी लोगों ने इसको हाईलाइट भी किया था। अब जाके चाहे तो के ना ट्रैक देख सकते हो जो ट्विटर पे हंगामा मचा हुआ था, बट कुछ देर बाद ये डिलीवरी डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होके मुझे दिखाने लगा 11 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर, बट फिर भी ये बहुत लंबा पीरियड था क्योंकि अभी भी थोड़ी टेंशन थी कि इतना दिन क्यों ले रहा है डिलीवरी के लिए, इतना मतलब लंबा टाइम गैप क्यों है। फिर कुछ देर बाद मैसेज आता है कि आपका डिलीवरी डेट अपडेट हो चुका है, दैट इज फ्रॉम 10th अक्टूबर से लेके मुझे 16th अक्टूबर के बीच में डिलीवर होने वाला है। और मजे की बात तो ये है कि उससे पहले यानी कि 9th को ही मुझे ये फोन डिलीवर हो गया। अब खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था, क्या पता फोन के अंदर साबुन दे दिया हो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये है फ्लिपकार्ट से लिया हुआ आईफोन और ये है अमेजोन से लिया हुआ आईफोन, और सच बोलूं तो मुझे फ्लिपकार्ट से ज्यादा अमेजोन पे ट्रस्ट है। आपको किस वेबसाइट पे ट्रस्ट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।